नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10वीं गणित में हिंदी मीडियम के छात्रों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लेके आए हैं अध्याय दो बहुपद के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस लेक्चर में हम लेके आए हैं अध्याय दो बहुपद से एक प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें यह बहुपद दिया गया है वाई बराबर पी एक्स। हमें एक बहुपद दिया, एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ दिया गया है। इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो पहला ग्राफ है यदि हम उसको देखें तो यहाँ पर जो ग्राफ है जो हमारा वह एक्स चर का एक बहुपद का ग्राफ है। तो हम इसके जब शून्यकों की संख्या बतलाएंगे तो इसमें जो एक्स अक्ष है उस पर यह ग्राफ जो है वह एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है हम उनकी संख्या को ज्ञात करते हैं। तो यदि हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यह ग्राफ है यह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, दो बिंदु पर और ये तीन बिंदुओं पर काटता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया ग्राफ है हमारा एक, इसके जो शून्यकों की संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने बिंदुओं पर वो काट रहा है, एक, दो और तीन। तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या तीन है। तो इस तरीके से हम दिए गए ग्राफ के आधार पर हम दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या को बतला सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम दूसरा ग्राफ देखें तो यहां पर जो y बराबर पी एक्स हमें ग्राफ दिया गया है, यदि हम इसके x अक्ष को देखते हैं कि यह ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, तो हम यहां पर देखें कि यह x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। हमें y अक्ष को नहीं देखना है क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वह y बराबर पी एक्स के रूप में है, x चर का बहुपद है। इसलिए हमें x अक्ष को देखना है कि वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो हमने यहाँ देखा कि यह जो ग्राफ है वह x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो ग्राफ सेकंड है हमारा y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, के शून्यकों की संख्या एक होगी। तो इस तरीके से हम यदि कोई भी ग्राफ बना हुआ है तो हम उसके शून्यकों की संख्या को बतला सकते हैं। यह दूसरा प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण तीन और दो है। तो हमें एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी है। हमने क्या मान लिया कि एक द्विघाती बहुपद जो है वह ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी है और इसी को हम समीकरण एक मान लेते हैं। और इसके शून्यकों का योग हमें दिया है तो जो बहुपद है इसके शून्यक भी हैं तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा है। तो हमने एक द्विघातीय बहुपद मान लिया ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी और उसके शून्यक अल्फा और बीटा मान लिया। अब जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, दिया क्या है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें ऋण तीन और दो दिया है। तो दिया है कि शून्यकों का योग, तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, इसलिए योग क्या हो जाएगा, अल्फा धन बीटा क्या हो जाएगा, ऋण तीन। और इसी तरीके से तथा गुणनफल अर्थात अल्फा गुणित बीटा क्या दिया है, दो हमें ये दिया गया है। चूंकि यदि हम इसको देखें कि चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी वटा ए और हमें अल्फा धन बीटा की मान क्या दिया है, ऋण तीन हमें दिया गया है, हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं।
यदि हम इन दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो हमें ए और वी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम इसी तरीके से अल्फा इंटू वीटा को देखते हैं। चूंकि अल्फा इंटू वीटा बराबर हम होता है सी वटी ए, और इसकी वैल्यू जो दी गई है वह दो दी गई है, और हम दो के बटे में भी एक लिख सकते हैं, तो दो के बटे में भी एक लिख सकते हैं हम। यदि हम इन दोनों पक्षों की आपस में तुलना कर दें तो हमें यहाँ पर ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे, और हम तुलना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखें कि ए का मान एक मिल रहा है, यहाँ पर भी ए का मान एक है, तो यहाँ से बी का मान तीन हो जाएगा और सी का मान दो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि तुलना करते हैं तो ए का मान क्या हो जाएगा एक, बी का मान हो जाएगा हमारा तीन और सी का मान हो जाएगा हमारा दो। तो इस तरीके से हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो जाते हैं, और इन ए बी सी के मानों को हम समीकरण एक में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं कि ए बी और सी के मान के मानों को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं तो हम देखते हैं ए ए का मान क्या है, एक है, तो एक इंटू एक्स का वर्ग। इसी तरीके से बी का मान क्या है, तीन, तीन एक्स और धन सी का मान क्या है दो। तो हम इसको और हल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वर्ग धन तीन एक्स धन दो। तो इस तरीके से जो हमें बहुपद ज्ञात करना था द्विघाती बहुपद, वह हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात बहुपद एक्स का वर्ग धन तीन एक्स धन दो है। तो इस तरीके से हम शून्यकों का योग और गुणनफल यदि हमें दिया गया होता है तो हम एक द्विघाती बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह तीसरा प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः एक बटे चार और ऋण एक है। जैसा हमने पिछला प्रश्न किया उसी तरीके से करना है, केवल इनके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दूसरी संख्याएं दी गई हैं। चलिए इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं, पहले माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी है, और इसको हम दे देते हैं समीकरण एक नाम, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इसके शून्यक क्या हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, अब जो दिया गया है हम उसको लिखते हैं। दिया है क्या, दिया है हमें यहां शून्यकों का योग अर्थात अल्फा धन बीटा, क्या दिया है एक बटी चार, तथा अल्फा गुणित बीटा दिया गया है हमें ऋण एक। अब चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी वटा ए, और इसकी अल्फा धन बीटा का मान जो है वह है एक वटे चार। यदि हम यहां देखें कि यहां पे क्या लगा हुआ है ऋण, लेकिन इसमें ऋण नहीं है, यदि हम इसको ऋण बना लें तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऋण एक वटे चार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋण बना हुआ है तो हमने यहाँ पे भी ऋण बना लिया, और क्योंकि ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, तो धन का एक हो जाएगा। तथा अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है सी वटा ए, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है ऋण एक। अब हम ऋण एक के बटे में एक तो लिख सकते हैं,
यदि हम यहां पर देखें तो यदि हम इन दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ए का मान हमें क्या मिलेगा, 4। लेकिन यहां ए का मान जो है 1 है, हमें इस ए के मान को बराबर करना पड़ेगा, अर्थात ए का मान हमें 4 बनाना पड़ेगा यहां पर भी, या इसको 1 बना लें या इसको 4 बना लें। तो 1 को हम 4 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं अंशवाहर में, अंशवाहर में 4 का गुणा करने पर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अंशवाहर में 4 का गुणा कर देते हैं, तो ऋण 1 गुणित 4 बटा 1 गुणित 4, तो हमें यहां से मिलेगा ऋण 4 बटे 4। अब हम इन दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं, तो हम लिखते हैं तुलना करने पर और तुलना जब करेंगे तो यहां से b का मान क्या मिल जाएगा, क्योंकि ऋण लगा है तो b का मान क्या मिल जाएगा, ऋण 1। b का मान मिल जाएगा हमें ऋण 1, यहां से a का मान मिल जाएगा 4, यहां से b का मान मिल जाएगा 4, a बराबर 4, और यहां से c का मान क्या मिल जाएगा, ऋण 4। तो c का मान ऋण 4, और इन a b c के मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहां लिखते हैं a b और c के मानों को, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मानों को रखते हैं, तो a का मान हमारा 4 है, तो 4 और गुणित में x वर्ग है, b का मान हमारा ऋण 1 है, धन लगा हुआ है ऋण 1 b का मान, और x धन c का मान हमारा ऋण 4 है, तो ऋण 4। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x वर्ग धन ऋण ऋण x धन ऋण ऋण 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 है। तो इस तरीके से हम एक द्विघाती बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं जब बहुपद के शून्यक का हमें योग और गुणनफल दिया गया होता है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में हमने शून्यकों की संख्या को बतलाया, एक ग्राफ दिया रहेगा शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना, और हमने इन दो प्रश्नों को देखा जिसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है और हमें बहुपद को ज्ञात करना होता है। यदि आपको इन प्रश्नों में कठिनाई होती है तो हमें कमेंट करें, हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।